समाजवादी इत्र जब पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं ये तो एजेंसियों का गलत फायदा उठाया। जब समाजवादी इत्र लॉन्च किया जाता है तब कहते हैं वो उनके वो टीवी डिबेट में बैठ के भदौरिया जी की ये इत्र लॉन्च हुआ खुशबू घर घर फैलेगी, और जब खुशबू खुलता है उसके बाद गंध फैलती है, तब ये मेरी नहीं है, तब ये गंध मेरी नहीं है। इत्र का राज क्या है? वही ढोल के अंदर पोल निकल पड़ा है, जब फूट गया तो पोल निकल पड़ा, भाई से बजरा तब तो कोई बात नहीं, भाई सुब्रत पाठक उठा के साइकिल में जब साइकिल में उनको देशद्रोह लगा देते मुकदमा तब तो सही था, और आजम खान की प्रॉपर्टी जब अवैध कब्जा कर वो गलत हो रहा है भैया। तो कह रहे हैं कि आजम खान को भी बेकसूर जेल में बंद, हाँ वही तो हम बता रहे हैं, जब सुब्रत पाठक को 5 साल उसमें बंद रखे हैं, आजम खान के मौत तभी बेकार रहेंगे जो राम को लाए हैं, हम चोर हैं, अखिलेश चोर हैं, राम जय जय श्री राम, भगवान लहराएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे यूपी में फिर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तो कौन बचाने जब वो जीतेंगे तब उनका पता चलेगा। अरे भैया ओवैसी से पूछो तुम कहाँ जाओगे, पहले तुम पाकिस्तान जाएंगे, ओवैसी पाकिस्तान जाओगे ना, जगह कहाँ मिलेगी पाकिस्तान में, कोई सर चुनाव के बाद ओवैसी को पता नहीं लगेगा, नहीं पता लगेगा, नहीं पता नहीं सर, कोई नहीं सर, सिर्फ ओनली और बीजेपी। शंकर जी भी तो पहाड़ों पे चले गए, बचाया किसने, शंकर जी पे तो पहाड़ों पे चले गए हैं, फिर बचाया किसने? अरे शंकर जी पहाड़ों पे चले गए तब भी तो तीसरी आग खोल देते हैं, देवताओं को क्या करोगे भैया, देवताओं का वास है पहाड़ों पर, वो देवता है मोदी, वहीं से रक्षा करेंगे, हाँ वहीं से रक्षा करेंगे मोदी, वहीं से रक्षा करेंगे। एक और बात कि अभी राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, लेकिन एक वो भी व्यक्ति थे कि जो कार सेवा करने वालों पर गोली चलवाई गई थी, वो सपा में चलवाई गई थी, सपा नेता थे इसलिए चलवाई गई, लेकिन वही सपाई ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव कृष्ण के अवतार में आएंगे। भाई यादव हैं अब अवतार में आएंगे, अभी तक क्या करते रहे, अखिलेश यादव अपना गढ़ बताते हैं, यहाँ कुछ नहीं किया। नहीं सर जी ऐसा थोड़ी है, 5 साल पहले क्या कंस रहे हैं, बेचने के लिए मेरे मकान पे है, 5 साल यही सोचते रहे कब टोटी खोले, तो खोल ली टोटी, अब थोड़ा खोल ली, कसने का अब नहीं मिलेगा, अब कभी नहीं मिलेगा, खोल चुके हैं टोटी, खोल चुके हैं, अब नहीं मिलेगा। अगर मोदी जी काशी में जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और हर हर महादेव बोलते हैं तो लोगों को उससे भी तकलीफ हो रही है, क्यों होती है ये उनसे पूछी जाए, क्यों होती है वो उनसे पूछी जाए, भाई साहब उनको होती जो नहाते ही नहीं है, हाँ उनको होती है, अब तो विपक्षी नेता भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो भैया नहाने से मैल मलका ना धोया, बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से फायदा क्या है, हाँ अब मतलब कुछ भी करो, अभी 5 साल तक क्या थे भाई, अब कृष्ण बनने आए हो, अब क्या फायदा, क्यों चाचा पहले माहौल क्या था? अब माहौल ज्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ी एक ही दिक्कत है कि जानवर छोटा है उससे खाली किसान को दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये योगी जी मोदी जी पे थोड़ा भी ध्यान दें तो इनकी सरकार कभी नहीं जाएगी। छोटा जानवर कहाँ से जे आज छोड़ देते हैं, गांव वाले ही छोड़ देते हैं, छोड़ते तो हम ही आप लोग हैं, हम लोग आप लोगों ने गाय का दूध पी लिया, बाद में ठंड हो गई उसको छोड़ दिया तो गलती किसकी है यार, सरकार तो पैसा भी दे रही है गौशाला, सरकार तो गौशाला भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, तो उसमें गलती सरकार की तो नहीं है ना, न सरकार ने ला के छोड़ दिया, भाई घर पे थे नहीं गाय, ना मोदी घर पे थी ना योगी घर पे थी, ये हमारे सबके घर पे, तो मेरी गलती है योगी गलती नहीं है, ना ही मोदी जी की गलती है। कहाँ जाता था पहले सबको पता है, पहले ये कटा जाता था, आज बचा रहे मेरे मोदी योगी, बचा रहे इसलिए गलत है नहीं सही है, ये जनता की सोच गलत है, वो हमारे राम को लाए तो उन्हीं को हम लाएंगे, वरना किसी को नहीं लाएंगे, हमें मोदी योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं उतना अच्छा काम ही नहीं कर पाए, अयोध्या आए जम्मू कश्मीर बात कर लो, 70 धारा की सबरी हटाई तो योगी सरकार ने हटाई है, किसी अखिलेश नहीं हटाई है। और मुद्दा क्या रहने वाला है, महंगाई बेरोजगारी या सुरक्षा या फिर कि हिंदू मुस्लिम, क्या रहने वाला है? हिंदू तो इसकी बात वो सबको लेकर चल रहे, अगर हमने वोट दिया मेरा भी साथ दे रहे, आपने नहीं दिया तो आपको भी बराबर मिल रहा लाभ, यही है सुशासन, जो सरकार का सुशासन है इसमें आदमी को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 12 बजे तक चला जाता है, कोई उसका नुकसान नहीं है, इसलिए मोदी जी की और योगी जी की सरकार आनी चाहिए। प्रियंका गांधी, अरे प्रियंका गांधी कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं होगा, जय श्री राम, जय श्री राम कहा, अब तो राम मंदिर बन रहा है, बढ़िया क्या दिक्कत है, अरे बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी पे गर्व है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भगवान। अयोध्या के मंदिर बनेगा, बनेगा हमें बहुत खुशी भाई, योगी जीतेगा और कोई, हाँ बाबा जी जीतेगा, बाबा जीतेगा।
जीत जा किल लिया सरकार फिर से आएगी ठीक पक्की बाबा मठ में चले गए मंदिर चले गए जनता का क्या होगा नहीं जनता कुछ नहीं होगा बाबा भेज देंगे बाबा कहीं नहीं जाने वाले बाबा यही रहेंगे इधर ही रहेंगे हम लोगों के साथ बाबा जी यही रहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी बेरोजगारी पर बात करें बेरोजगारी पे क्या है रोजगार कहाँ है हम तो है क्या नहीं तुम लोग ना कुछ करो अरे ना ऐसा कुछ नहीं है एक साल गल्ला फ्री बांटा का बांटा सबने लिया कॉलोनी फ्री गई अब जो एक मिनट कॉलोनी फ्री गल्ला फ्री और तेल मसाला सब फ्री गो सब फ्री गया क्या बात कर रहे हैं यार सरकार सरकार ने देखो कांग्रेस की रही मायावती की रही अखिलेश की रही किसान कुछ करो तो ना ही करो गैस सिलेंडर फ्री मिले मकान को फ्री मिले लाए कहाँ से गैस सिलेंडर 2000 को लाए कहाँ हाँ रोजगार है ना हम लोग पढ़े लिखे हैं फिर अरे यार है कहीं नहीं गुजर ही अब लड़का पैदा हुआ तेने का दियो कौन तू ना हम लोग बीएड बीटीसी करे बैठे हैं रोजगार बात करें हम उनसे बदलना चाहते हैं हम सिर्फ रोजगार बात करना चाहते हैं कि रोजगार की जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे 2014 से पहले क्या किसको मिल गया सबको नौकरी मिल गई थी अरे हर आदमी नौकरी करने लगेगा और काम कौन करेगा निष्पक्ष भर्ती हो रही है निष्पक्ष भर्ती कोई पैसा नहीं जिंदाबाद योगी मोदी इसके अलावा कोई नहीं आएगा एक मिनट ये बताइए कि इस बार जो मुद्दा रहने वाला है ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी रहेगा क्या सुरक्षा भी मुद्दा है क्यों नहीं सुरक्षा मुद्दा है लूट और चोरी नहीं होती है योगी के राज्य में चोरी लूट वगैरह कुछ नहीं होता है लोग छोने की चैने पहने घूम रहे नहीं तो लूट जाते बाजार में लोग बेरोजगार हो गए सबको रोजगार मिल रहा है हम बैठे रोजगार बैठे इनको क्या बताया यार हमने हमें रोजगार दिया मोदी ने उसके बाद हमने 20 को रोजगार दिया और 20 को रोजगार दिया हमें वो हो गए बेरोजगार जो दलाल थे उनकी दलाली बंद हो गई वो बेरोजगार सारे पेपर लीक हो रहे हैं अब पेपर का लीक अखिलेश के राज्य में नहीं हुआ अखिलेश के राज्य में भैया इसका पेपर लीक हुआ अब हम तो इंतजार बुलडोजर चला भी जाते हैं लोग परीक्षा बीच में ही रद्द करा के लोगों को जेल भी भेजा जाता था पहले लीक होता था पता भी नहीं पहले पता भी नहीं चलता था अब तो उसी दिन एक्सल होता है कोई नहीं है टक्कर में भैया अरे बेरोजगार बेरोजगार थे हम रोजगार है हमारे पास चाचा भतीजे एक हो गए चाचा भतीजे गुंडा बदमाश एक हो गया पहले अखिलेश ने कहा था कि हम अपने जितने हमारी पार्टी में गुंडे हैं ना सबको निकाल लें जो चाचा को निकाल दिया अब चाचा भी शामिल कर लिए तब गुंडा और बदमाश सब एक हो गए और महागठबंधन की तैयारी महागठबंधन कुछ नहीं लेता साइकिल कहाँ गई साइकिल टूट गई कबाड़े में साइकिल टूट गई कबाड़े में चली कबाड़े में फरुखाबाद तो अखिलेश यादव का गढ़ है एक भी नहीं एक बार की चारों सीटें बीजेपी भीड़ देख लो आप भीड़ देख लो हम नहीं कह रहे आप भीड़ देख लो डिंपल भाभी का क्या होगा कुछ नहीं होगा भैया जाएंगे रोटी बनाएंगे रोटी और क्या रोटी महिलाओं का मतलब उसका डिंपल भाभी घर पे खाना बनाएंगे अब जैसे क्रिया के लिए प्रियंका बहन जी का क्या होगा प्रियंका बहन जी जाएंगी वो बाड़ा के पास खत्म हो जाएगा भाई साहब लड़कियों के लड़ रही लड़कियों लिए कोई बात नहीं अब वही लाठी चार्ज हो रहा राजस्थान उनकी सरकार है वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है वहाँ पे नहीं देख रही है लड़कियों का लड़कियों के कितना लाठी चार्ज हुआ राजस्थान में उनकी सरकार है यहाँ आके बिजली बिल कम करेंगे वहाँ बिजली बिल कम नहीं कर रही है क्यों नहीं कर रही है वही तो दूसरे कंधे पर रखे बंदूक चला रही है अरे बंदूक तो आपके पास है तो सीधे चलाए गठबंधन वोट नहीं देना है वोट हम देंगे मोदी योगी गठबंधन अकेला ही लड़ता है फिर अकेला ही फरुखाबाद में क्या बदला है पिछली बार में अपेक्षा में क्या अंतर देखते हैं सब कुछ फरुखाबाद में क्या नहीं बदला है आज ही जो रसोईया था जिनको 500 रुपए मिलते थे आज ही योगी जी ने उसको 1500 कर दिया और उसके बाद हम साल में उनको 2 सवारियां देंगे जो कि पहले कुछ नहीं होता था पहले जो आते थे
पहले जो भी कपड़े ले आते थे लड़कों का इसे दिए दिए जाते बच्चे, आज 1100 उनके सीधे अकाउंट में आ रहे हैं। 1100 में कपड़े नहीं, वो 4 साल के लिए हो जाएंगे, जहाँ 1 साल कपड़े नहीं चलते थे। लेकिन माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल बढ़िया लग रहा है। बीजेपी 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 वाले गरी योगी है, मोदी योगी, अरे मोदी आएंगे, मोदी और योगी और कोई नहीं आएगा। अरे अच्छा लग रहा है, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इतना अच्छा जो हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। हाँ, तो किस तरह स्वागत करने वाले हैं? अरे अच्छी तरह जैसे होगा तैसा स्वागत करेंगे। करेंगे? हाँ करेंगे। क्या दिया है सरकार ने? सरकार ने बहुत कुछ दिया है, अच्छा विकास किया है, सबके बारे में, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सरकार बेच के खा गई सबको। किसको बेच खा गई? सर अखिलेश मोदी देश को बेच के खा गए? नहीं, अखिलेश को तो नहीं बेचा, क्लियर बुलडोजर चलेगा उनको। इस बार उन्हीं की बारी है, काफी घोटाला किया। जय जय श्री राम। से बात है, एक और बात है, इत्र कारोबारी के यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति पाई जाती है, सपा की इत्र? नहीं नहीं, वो हाँ सपा का इत्र है, अखिलेश की है। महक बन रही है? महक बन रही है, काफी महक बनाई उन्हें। इलाज हो जाएगा बढ़िया वाला? बढ़िया इलाज होगा उनका, पक्का वाला? पक्का वाला। लेकिन योगी जी बोलते हैं मैं तो बुलडोजर साथ लेके चलता हूँ। हाँ तो वो साथ लेके चलते हैं, बुलडोजर चलेगा, चलेगा चलेगा, क्लियर चलेगा। और क्या बेहतर किया है योगी सरकार? योगी सरकार ने सड़कें बनवाई हैं, अच्छा विकास किया है। अगर बदलाव यहाँ की बात करें, फरुखाबाद में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव फरुखाबाद में सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं इस समय, पूरे जिला फरुखाबाद की सड़कें बन रही हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी हुए, चाहे जैन चौधरी हुए, या चाचा भतीजे एक हो रहे हैं, महागठबंधन की तैयारी चल रही है? महागठबंधन नहीं होगा, नहीं चल पाएगा ये, गठबंधन को तो वोट ही नहीं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा। युवा होने के नाते कैसे देखते हैं, कुछ बदलाव या अंतर देखते हैं पिछली सरकार में इस सरकार? हम क्या बताएं, हम तो स्टूडेंट है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है बस। चाचा आप तो सब देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रही सरकार, और बहुत हम लोगों के लिए छोटे आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूब करता है, राशन भी देता है, और खूब मतलब कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। चाचा ये है कि मोदी ने और योगी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, देहात में आप रात के 12 बजे घूमिए कोई आदमी आपको नहीं मिला मिलेगा, 12 बजे आप खेत में पानी लगाइए कोई आपको नहीं मिलेगा। खाली मोदी मोदी और योगी की सरकार में जो पब्लिक सुखी है वो इस दुनिया में कभी सुखी नहीं होगी। समझ नहीं आ रही हमें से कि यूपी पुलिस पहले भी थी और यूपी पुलिस अभी भी है, फिर ऐसा क्या बदलाव हुआ? ये योगी की सब देन है, जो पुलिस पहले थी वो अब है, क्योंकि योगी ने कंट्रोल किया है, क्राइम क्राइम को रोका है।